पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार भले ही रिश्वतखोर अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लाख वादे कर रही हो, लेकिन रिश्वतखोर अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ठाकुरद्वारा थाना इलाके के सुल्तानपुर का है, जहां तैनात पंकज शर्मा नाम के जई को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पीड़ित नाजिम ने कमर्शियल कनेक्शन लगवाने के लिए जई से कहा तो उन्होंने इसके एवज में 15,000 की रिश्वत मांग की। नाजिम ने किसी तरह एंटी करप्शन की टीम से संपर्क साधा तो उन्होंने लखनऊ से टीम गठित कर पंकज शर्मा नाम के जई को रंगे हाथों रिश्वत के साथ पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर जई को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। ये नाजिम अली शिकायतकर्ता हमारे पास कल आए थे एंटी करप्शन कार्यालय। उन्होंने बताया कि अपने घर पर जो है वो कमर्शियल कनेक्शन लेना था, तो जब जेई हैं सुल्तानपुर उपकेंद्र के पंकज शर्मा, उन्होंने कहा कि मुझे जो है 15,000 रुपये चाहिए रिश्वत के, तब काम करूँगा, आप कल रुपये लेके आना। इन्होंने हमारे यहाँ कल शिकायत की, हम लोगों ने लखनऊ से टीम गठित कराकर आज जो है इनको वहाँ भेजा, तो उपकेंद्र के अंदर कार्यालय में ही 15,000 की रिश्वत लेते हुए इनको पकड़ा। अब यहाँ भोजपुर थाने लाए हैं और आवश्यक कार्रवाई करके फर्द तैयार करके इनको मुकदमा कायम करा जाए, कल जेल जाए। मैं निरीक्षक अंजू भदौरिया भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद इकाई से हूँ। मेरी मुरादाबाद जो रेंज है इसके सभी जनपद रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल की जनता से अपील है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी, अराजपत्रित अधिकारी आपका जायज़ काम करने के लिए किसी रिश्वत की डिमांड करते हैं, रिश्वत मांगते हैं, तो आप भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद पर आइए और नंबर मैं आपको बता रही हूँ, उस नंबर पर संपर्क करिए, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। हिचकिचाइए बिल्कुल भी मत, शिकायत करने में बिल्कुल डरिए मत, उनको रंगे हाथ पकड़वाइए, उनके खिलाफ कार्यवाही कराने में हमारी मदद कीजिए ताकि ये जो बुरा तरीका जो चल रहा है ये ख़त्म हो सके, इस पर लगाम लगाई जा सके। आप मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 94-54-40-1987, 3193409444, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।